PSL पाकिस्तान सुपर लीग 13 फरवरी 2023 से इस टूर्नामेंट के 8वें एडिशन की शुरुआत हो गई है और टूर्नामेंट का पहला मैच शाहीन अफरीदी की लाहौर कलंदर और मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान के बीच खेला गया। इस मैच को लाहौर कलंदर ने कुल 1 रन से जीता, लेकिन इस रोमांचक मैच से ज्यादा चर्चा एक घटना की हो रही है जिसके कारण मैच आधे घंटे की देरी से शुरू हुआ। जी हाँ, PSL की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान फ्लड लाइट में आग लग गई और पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इसका कारण आतिशबाजी बताया जा रहा है। हालांकि घटना से निपटने के लिए तुरंत ही फायर ब्रिगेड आई। इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई और इसी के चलते टॉस भी आधे घंटे की देरी से हुआ। बताते चलिए, PSL 2023 की ये पहली घटना नहीं है। 5 फरवरी 2023 को क्वेटा में पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच एग्जीबिशन मैच खेला जा रहा था। इस दौरान मैदान से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस लाइन एरिया में एक ब्लास्ट हो गया था और जैसे ही ब्लास्ट की खबर आई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इन सभी खिलाड़ियों को तुरंत ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी तहरीक के तालिबान पाकिस्तान TTP ने ली थी। उन्होंने कहा था कि इस हमले में उनका निशाना सुरक्षा अधिकारी थे। हालांकि इन तमाम चीजों के बाद काबू पाने के बाद मैच को दोबारा शुरू किया गया था। PSL के पहले मैच का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इस मैच में मोहम्मद रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लाहौर कलंदर ने 20 ओवर में 175 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। टीम के लिए फखर जमान ने सबसे ज्यादा 66 रन की पारी खेली। जवाब में कप्तान रिजवान की 50 गेंदों में 75 रन की पारी भी मुल्तान सुल्तान को जीत नहीं दिला पाई। वो 20 ओवर में कुल 174 रन बना पाए और ये मैच 1 रन से हार गए। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा, स्पोर्ट्स जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।